subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक और साइकिल की सुविधा दी गई है और नवी मुंबई की जनता इसका भरपूर लाभ भी उठा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष नितिन कंधारी ने वाशी मिनी सिसोर में साइकिलिंग ट्रैक की मांग की है। नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल से उनको पत्र व्यवहार देकर निवेदन किया है। आज से कुछ दिन पहले हमारे माननीय नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यहाँ पे दौरे पे निकले थे चाबुस्कर साहब के साथ कि क्या क्या इशू है इधर, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को पर्सनली मिले थे, मैं कुछ बच्चों के साथ यहाँ पे बातें कर रहा था, खेल रहा था। तो तब मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आज जैसे यूलू ऐप है साइकिल का, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो साइकिल लवर्स के लिए ये रोड पर कोई भी साइकिलिंग स्पॉट नहीं है, क्योंकि अंदर जो स्पॉट है वो वॉकिंग ट्रैक है, वहाँ पे साइकिलिंग अलाउड नहीं है। अब जो मेन रोड है वहाँ पे इतने ज़ोर से गाड़ियाँ चलती है कि वो डर है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है। तो हमने हमारे आयुक्त साहब को वो दिन वर्बली कहा, एक सजेशन दिया कि ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे, ये रास्ते को साइकिलिंग ट्रैक किया जा सकता है, आगे का रास्ता थोड़ा सा अनइवन है, उसको ठीक करना पड़ेगा और थोड़ी लाइटिंग लगानी पड़ेगी और ये साइकिलिंग पाथ बहुत अच्छा हो सकता है, जो साइकिल लवर्स विल लव इट। तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा और उसी हिसाब से 9 तारीख को मैंने उनको लिखित निवेदन भी दिया कि अगर ये सजेशन तो है लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मानना है, अगर आपको कोई और अच्छी जगह लगती है तो आप कोई और अच्छी जगह पे कीजिए, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर विचार कीजिए कि साइकिल लवर्स साइकिलिंग करेंगे किधर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे आयुक्त साहब इसके ऊपर जल्दी कोई निर्णय लेके यहाँ के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत अच्छी डिसीजन लेंगे और साइकिलिंग पाथ जरूर डिक्लेयर करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है उनसे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान के साथ पंकज बिनवंसी की रिपोर्ट, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।